नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आप देखेंगे बहुत ही सुंदर सी एम्ब्रॉयडरी की इस डिज़ाइन का ट्यूटोरियल। आप ये डिज़ाइन बहुत आसानी से बना सकते हैं और नॉर्मल नीडल से इसे बहुत इजीली बना सकते हैं। इसके लिए हमें कुर्ती की सेंटर में यहाँ पर सर्कल में एक शेप देना है। इसके लिए आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं। छोटी साइज बनाना चाहते हैं तो चूड़ी या ऐसा कुछ ले सकते हैं। मैंने इस तरह सर्कल के लिए इस प्लेट को यूज़ किया है और इसके चारों ओर ये हमें मार्क करना है। ये मार्क करने के बाद ये हमारा सर्कल हो गया। आप जितनी छोटी या बड़ी लेना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये लेना है। उसके बाद में इस फैब्रिक को हम चूड़ी पे अटैच करेंगे और इस सर्कल के अंदर हमें इस तरह लाइंस ड्रॉ करनी है। यहाँ दो लाइन के बीच में हमने आधा इंच का गैप रखा है और क्रॉस में इन लाइंस को यहाँ पे ड्रॉ करना है। इस तरह सर्कल के अंदर ये हमारी लाइंस हो गई। अभी सर्कल की बाहर की साइड में हमें सबसे पहले इस सर्कल के बाहर फ्लावर के लिए यहाँ एक शेप देना है। इस तरह से डॉट। उसके बाद में हम सिर्फ राउंड ले रहे हैं और थोड़ा सा गैप रख के थोड़ा ऊपर की ओर हमें ये वापस राउंड लेना है, फिर वापस सर्कल के जस्ट पास में, फिर थोड़ा आगे ऊपर। इस तरह से पूरे सर्कल पे हमें ये मार्क करना है। यहाँ पर कोई फ्लावर नहीं है, बस हमें ये शेप देना है। बराबर से एक ऊपर रहेगा, एक नीचे रहेगा। फिर ऊपर वाले दो हिस्सों में के बीच में इस तरह से ड्रॉ करना है कि यहाँ पर ये तीन फ्लावर छोटे छोटे आएंगे और यहाँ तीन लाइन्स आएगी। उसके आगे वापस ये सीधी लाइन ये पूरी हमारे दूसरे फ्लावर को मिलाते हुए रहेगी। इसी तरह से सारे आउटर की जो फ्लावर है उसके ऊपर ये शेप देना है। आप इसकी डिज़ाइन बनते हुए देखेंगे तो आप ये इजीली समझेंगे कि ये बहुत आसान है। इस तरह पूरे सर्कल पे हमें ये ड्रॉ करना है। इसके बाद में हम लेंगे ये एसएससी, ये रिंग में होता है, इसके अंदर एक छेद होता है और इसे लोकल लैंग्वेज में हम डालिया बोलते हैं। और अभी हमें लेना है एक सुई में एंकर थ्रेड, ये पिरोया हुआ है, और यहाँ डबल लपेट देकर यहाँ ये जो रिंग है इस तरह से लेके सुई को वापस थोड़ा आगे लेकर अंदर डालेंगे। ये लॉन्ग फ्रेंच नोट देना है जिसके नीचे हमने ये डालिया रखा है। इस तरह से ये जो सर्कल में हमने फ्लावर ड्रॉ किया है इसमें एक लंबा थोड़ा फ्रेंच नोट रहेगा, एक उससे थोड़ा सा कम लेना है, फिर वापस एक थोड़ा लंबा। इस तरह से ये फ्लावर यहाँ पे अटैच करना है पूरे राउंड में। इस तरह से हमने ये पूरा स्टिच कर दिया है। इनके नीचे हमारी ये रिंग्स हैं और ये एक राउंड में ये हिस्सा हुआ, फिर ऊपर का जो राउंड है वहाँ पर अलग कलर का धागा लेना है। यहाँ पर हमने पिंक कलर का धागा लिया है और ये फ्लावर स्टिच किए हैं। अब पिंक कलर के ऊपर का जो हिस्सा है जो सर्कल के जस्ट पास है, यहाँ पर तीन फ्रेंच नोट देने हैं इस तरह से नीचे ये रिंग रखते हुए। एक बीच में सेंटर में रहेगा और दो उसके थोड़ा नीचे रहेंगे। अभी ये ऊपर का जो हिस्सा है, ऊपर के दो फ्लावर, उनके बीच में इस तरह से शेप देना है। जो हमने पहले दिया वो क्लियर
अगर आपको समझ नहीं आया है तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें लेना है। ये जो तीन का शेप हमने बनाया है, यहाँ पर हमें एक सिंगल लपेट देकर ये डालियाँ रखना है और तीन लॉन्ग फ्रेंच नोट देनी है। इस तरह से हमने ये स्टिच कर ली है। उसके बाद में लेनी है जरदोजी गोल्डन कलर में, जिसे हमने कट किया है और इस तरह से नॉर्मल सुई धागा बाहर निकाल के इसमें एक जरदोजी को अंदर डालना है और एक लेना है ये रिंग डालिया। और अभी इसके ऊपर हम क्रॉस में अटैच करेंगे ये जरदोजी। यहाँ पर दो जरदोजी हमें स्टिच करनी है इस तरह से तिरछी। ये एक पत्ती के रूप में रहेगी लिप के रूप में और दूसरी साइड में भी इसी तरह से ये जरदोजी और डालिया स्टिच करना है। उसके बाद में यहाँ नीचे की साइड में जो हमने ये पेन से ड्रॉ किया है, यहाँ पर भी सेम इसी तरीके से इसको स्टिच करना है। यहाँ पर ये मैंने सारी जरदोजी स्टिच कर दी है और ये जो हमारा हिस्सा है, यही प्रोसेस पूरे सर्कल के चारों ओर ये डिजाइन आएगी। चारों ओर यही प्रोसेस रहेगा। एक ऑरेंज कलर का ये फ्लावर, फिर पिंक कलर का आएगा, फिर वापस ऑरेंज कलर का। इसी प्रोसेस से पूरी सर्कल की चारों ओर स्टिच करना है। अभी लेंगे हम ये जरी का थ्रेड गोल्डन कलर का और हमने ये जो जरी जरदोजी और फ्रेंच नोट का ये फ्लावर बनाया है, उसके चारों ओर ये चेन की स्टिच लेनी है। यहाँ पर अगर आपको आरी से चेन की स्टिच नहीं आती है तो आप नॉर्मल नीडल से भी कर सकते हैं, और अगर आरी से चेन की स्टिच सीखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहाँ देख के उसे सीख सकते हैं। क्योंकि आरी से जब आप चेन की स्टिच बनाएंगे तो ये बहुत आसान होगा आपके लिए। अगर आप एम्ब्रॉयडरी कोई भी करते हैं, इससे बहुत फास्ट फास्ट आपकी चेन की स्टिच होती है नॉर्मल नीडल के मुकाबले में। और आरी में हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है कि आपको चेन की स्टिच आए, उसके बाद में आरी से आप कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। इसकी बेसिक यही रहती है कि आपको चेन की स्टिच आ जाए। अभी हमने इसके चारों ओर ही चेन की स्टिच ले ली है और अभी फ्लावर की सेंटर में हमें जरदोजी को रिंग के रूप में स्टिच करना है। सुई धागे को रॉन्ग साइड से राइट साइड में लाया और जरदोजी को पिरो के उसके पास में ही वापस अंदर डाल देना है सुई को, जिससे ये एक रिंग की तरह जरदोजी यहाँ पे इसके सेंटर में अटैच हो जाएगी। यहाँ पर हमें कुछ जरदोजी अटैच करनी है। ये तीनों फ्लावर में ऐसे ही इनकी सेंटर में अटैच करनी है। इस तरह हमने ये जरदोजी यहाँ पर अटैच कर ली है। तीनों फ्लावर की बीच में अभी यहाँ हमने सेंटर में जो लाइंस ड्रॉ की थी उनकी दोनों साइड में हमें इस तरह से चेन की स्टिच लेनी है। इन चेन की स्टिच के बीच में आएगी हमारी पाइप, छोटी छोटी पाइप, और जहाँ पर दो लाइन मिलके ये क्रॉस का बनता है वहाँ एक मोती लेना है हमें।
जो आप नॉर्मल नीडल से कर सकते हैं। इस तरह से ये सारा प्रोसेस इस डिज़ाइन के लिए रहेगा। और यहाँ सेंटर में देखिए हमने ये पाइप और मोती अटैच कर लिए हैं और पूरी डिज़ाइन बन की रेडी है। इस पूरी डिज़ाइन में यही प्रोसेस है फ्लावर्स, जरदोजी और चेन की स्टिच का, और सेंटर में पाइप और उनके बीच में एक एक मोती है। यहाँ स्लीव्स में भी आप इस तरह से ये डिज़ाइन हाफ सर्कल में इस तरह बना सकते हैं। ये बहुत ही हैवी और बहुत सुंदर सी डिज़ाइन बन के आएगी और नॉर्मल नीडल से आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आगे और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।